इसी रमजान में मेरे शोहर ने रोजा इफ्तार किया तो आधे घंटे के बाद दिल में शदीद दर्द शुरू हो गया। सुनने की बात, क्योंकि रोजे के इफ्तार में पकोड़े, समोसे, जलेबियां, तली हुई चीजें हमने लाजिम समझ लिया है रोजे का हिस्सा। कहने लगे मेरे शोहर को तकलीफ शुरू हुई, आपके दर्श में एक वजीफा सुना था। लौटपोट गया शोहर और कहा कि हमने कलमे पढ़ने शुरू किए, उन्हें भी कलमा पढ़ना शुरू किया कि बस अब वक्त आ गया। अब एक वजीफा सुने क्या शुरू किया, कहा कि आपके दर्श में सुना था कि तीन दफा सूरत इन्ना अंजलना और तीन दफा सूरत कौसर, बस ये पढ़ के फूंक मारी। कहा कि मैंने तकरीबन चार पांच दफा पढ़ा होगा, मेरे शोहर को खून की उल्टी आई, उनका दर्द गायब हो गया, बिल्कुल ठीक हो गए और ऐसे है जैसे कुछ था ही नहीं। वो खून जो दिमाग की रगों में जम जाना था, नालियों में जम जाना था और जिसकी वजह से दिमाग की रगें फट जानी थी, जिसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज हुआ, फलां तकलीफ हुई, फलां हुई, हार्ट अटैक हुआ, ये हुआ, अल्लाह का निजाम देखें, इस कलाम की वजह से वो खून मुंह के रास्ते निकल और सेहतियाब हो गया। ये वही वजीफा है, ये वही वजीफा। कल ये साथ मस्जिद है, मैं वहां बैठा हुआ था मगरिब के बाद, एक साहब मुझे मिले, कहने लगे कि हमारे बॉस ने आपकी कोई पोस्ट देखी है जिसमें आपका एक वजीफा है, तो उसका उन्होंने बताया कि वो वजीफा ये है कि एक बंदा था वो दम करता था शुगर वालों को, लाइलाज बीमारी वालों को, ब्लड प्रेशर वालों को, तो उससे लोग ठीक होते थे पर दम किसी को नहीं बताता था। एक बंदा ठीक हो गया, उसने कहा मांग क्या मांगते हैं, उसने कहा उमरा करा दे, तो कहने लगा कि वो उन्हें उमरा करा दे। अब ये उम्रे पे गया तो अपने बेटे को वजीफा दे गया, दम दे गया, और उसके बेटे का एक यार था एक शेख, वो पीछे पड़ा हुआ था, मैंने लगाया हुआ था। शेख साहब ने वो दम लिया, वो फिर वो साहब तो देते नहीं थे और मुझे लाके दे दिए, उन्होंने कहा ये दम है। बेटा कहता है अब्बा जाते जाते कह गया कि बेटा जो भी दम कराने आए उस पर तीन दफा सूरत इन्ना अंजलना बिस्मिल्लाह के साथ और तीन दफा सूरत इन्ना तो इना कलकौसर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के दम कर दिया था। शुगर भी गया, ब्लड प्रेशर भी गया, लाइलाज बीमारियां भी गई, बेशुमार लोग दम के लिए आते हैं और कोई एक दिन आता है, कोई चंद दिन आता है और वो मरीज ठीक हो जाते हैं। वो मुझे लाके दे दिया, मैंने रिसाले में छाप दिया, इसी वाक्य के साथ पूरी तफसील से रिसाले में छाप दिया। अब जिस जिस को ये दम मिला, जिसका दम निकल रहा हो, बस ये दम कर दो तो बंदा ठीक।